नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। होंडा मरीज ने कुछ सालों पहले GNCAP के सेफर कार फॉर अफ्रीका प्रोग्राम के अंडर 4 स्टार स्कोर करे थे और कुछ समय पहले होंडा जैज और होंडा सिटी भी 4 स्टार स्कोर कर चुकी हैं। बेसिकली ओवरऑल होंडा की सेफ्टी पर रिलाय किया जा सकता है। होंडा अमेज के चैनल पर हमने पहले भी कुछ एक्सीडेंट्स देखे हैं जहां गाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी अमेज किया है। मिस्टर विजय शर्मा ने चैनल पर एक ऐसा ही एक्सीडेंट शेयर किया है जहां अमेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए अंदर बैठे ड्राइवर को सेफ रखा। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट के डिटेल्स भेज सकते हैं। यह एक्सीडेंट NS3 से रिपोर्ट किया गया है। होंडा अमेज के सामने यहाँ एक ट्रक ट्रैवल कर रहा था जिसने सडनली ब्रेक अप्लाई किए और साथ ही होंडा अमेज भी टाइमली ब्रेक अप्लाई करते हुए सेफ डिस्टेंस पर खड़ी हो गई। अनफॉर्चुनेटली पीछे से आ रहा ट्रक अनकंट्रोल होकर अमेज को हिट करता है और अमेज आगे खड़े ट्रक में जाकर लड़ती है। यहाँ पर सभी पैसेंजर और ड्राइवर सेफ थे और किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं आई। अमेज में डैमेजेस आप देख सकते हैं जहाँ फ्रंट से सब कुछ ही डैमेज दिखाई देता है, साथ ही पीछे से बूट डोर भी बुरी तरह डैमेज हुआ है। हालांकि ए पिलर्स यहाँ इंटैक्ट देखे जा सकते हैं। होंडा अमेज में यहाँ एयरबैग्स नहीं खुले जो हम पहले भी कई सारे एक्सीडेंट्स में देख चुके हैं जहाँ सैंडविच हुई गाड़ियों में एयरबैग्स ना खुलने की कंप्लेंट आती रही हैं। पर अमेज ने यहाँ दिखाया कि गाड़ी वाकई 4 स्टार है और ऐसे एक्सीडेंट में एक सेफ गाड़ी ही आपको और आपकी फैमिली को सेफ रख सकती है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट में आपकी गलती ना होने के बावजूद मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अमेज की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इंडियन मेड अमेज कितनी सेफ है। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।